अगर फ्रेंड्स आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपकी वीडियो पे व्यू आ नहीं रहा है, तो कैसे व्यू आता है और आपका व्यू कैसे आता है इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको फ्रेंड्स ये जानकारी होना चाहिए कि वीडियो अपलोड करने का एक सही समय आपको पता होना चाहिए। तो आपको वीडियो अपलोड करने का सही समय पता नहीं है तो आपके समय वीडियो अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यू आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको चैनल पर फ्रेंड्स आपको देखना है अपना कि आपका सब्सक्राइबर जो है वो एक्टिव किस समय रहता है, ठीक है। कब आपका सब्सक्राइबर जो है एक्टिव रहता है उस समय अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको व्यू ज़्यादा आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप खुद अपने YouTube चैनल पे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सब्सक्राइबर जो है किस समय वो एक्टिव रहता है, यानी कि आपका सब्सक्राइबर आपका वीडियो देख सकता है। तो शुरू से लास्ट तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइस, मैं सुजीत सैनी आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत टेक पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वीडियो को, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे फ्रेंड्स आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंड्स आपको studio.youtube.com, ठीक है। जैसे इतना सर्च कीजिएगा तो ये वाला वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा studio.youtube.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जैसे डेस्कटॉप साइट आप कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो है एकदम कंप्यूटर की तरह लुक हो जाएगा आपके मोबाइल पे, यानी कि कंप्यूटर पे जिस तरह से यूट्यूब स्टूडियो खुलता है सेम टू सेम उसी तरह का यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा ओपन हो गया है। और यहाँ पे एक ऑडियंस का ऑप्शन जो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऑडियंस का ऑप्शन है। तो सिंपल से यहाँ ऑडियंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। एनालिटिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये एनालिटिक्स का ऑप्शन है। और इसी में ऑडियंस का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऑडियंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो हो गया है। तो यहाँ पे इसी से पता कर सकते हैं कि आपका सब्सक्राइबर है कब वो मतलब कि एक्टिव रहता है, कब अनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है सब्सक्राइबर यहाँ पे इस समय तक एक्टिव रहता है, ठीक है। जिसमें ये जो दिया हुआ है खाली ब्लैंक वाइट, तो इस पर हमारा एक्टिव नहीं रहता क्योंकि रात का ही, तो रात को कौन मोबाइल चलाता है और किसको वीडियो देखता है, तो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है गुलाबी कलर से ये टोटल मेरा एक्टिव रहता है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ये ज़्यादा है, जैसे कि इतना दूर भी ज़्यादा है। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इतना ज़्यादा गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस समय मेरा एक्टिव ज़्यादा रहता है सब्सक्राइबर, यानी कि 6 बजे शाम को। तो अगर शाम को 6 बजे अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं, मेरा समय 6 बजे शाम को 6 बजे सही समय है वीडियो अपलोड करने का, तो शाम को अगर हम 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो मेरा ज़रूर व्यू आएगा क्योंकि मेरा भी जितना भी सब्सक्राइबर है मतलब कि रहेगा एक्टिव, सब कोई मेरा वीडियो देखेगा तो व्यू जरूर आना ही है। और इस समय जो दिया हुआ है इस समय मेरा एक्टिव ज़्यादा नहीं रहता है, मेरा सब्सक्राइबर शाम को ही 6 बजे रहता है। तो आप अपने चैनल पे चेक कर सकते हैं एनालिटिक्स, इस तरह से ऑडियंस एनालिटिक्स वाला ऑप्शन में जाकर ऑडियंस को क्लिक करके कि आपका सब्सक्राइबर कब कब एक्टिव रहता है, कब कब अनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, और जो जब जब आपका फ्रेंड सब्सक्राइबर एक्टिव रहे उस समय आप वीडियो अपलोड कीजिए, जरूर आपका मतलब कि व्यू आएगा, जरूर एकदम आना ही आना है। तो कुछ इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर को देख सकते हैं कि कब एक्टिव रहता है, कौन कब एक्टिव नहीं रहता है, और उस समय आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं।